जय हिंद साथियों, जैसा कि आज बात करेंगे जो अपना वर्कआउट आप लोग बनाते हैं आर्मी या कोई भी सेना की तैयारी करते हैं, तो आज बात करेंगे जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत रनिंग करने के बाद आप कूलिंग जो है एक्सरसाइज करेंगे कूलिंग डाउन, ताकि आपका जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, थोड़ा सा कैमरा पसंद, जो आपका शरीर है जब आप अगले दिन ग्राउंड जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि अंदर से महसूस होता है कि आज नहीं दौड़े, तो कारण इसका एक ही है, या तो आप कूलिंग डाउन एक्सरसाइज अच्छा से नहीं किए या अपने बॉडी मसल का स्ट्रेचिंग नहीं किए। तो आप लोग इसको भी अपने वर्कआउट में डाल लें, तीन चीज़ को अपने वर्कआउट में ज़रूर डालें, स्ट्रेचिंग, कूलिंग डाउन और रनिंग करने से पहले वार्म अप, भैया बहुत ज़रूरी है। जब आप रनिंग करके आते हैं बॉडी को रिलैक्स करना है तो आप कम से कम 20 बार 30 बार या बहुत लोग करते हैं, या लंबा सांस थोड़ा देर, ताकि आपका जो बॉडी का हार्ट बीट है वो स्थिर जगह हो जाए और आपको ग्राउंड के दो राउंड वन सेकेंड। तो अब आप देखिएगा आपको क्या करना है, अपने वर्कआउट में इसको जोड़ना है। ऐसे किए, मेरा भी बॉडी थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब आपको दो राउंड का बनाना होगा ये कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइज आएंगे जो आपको बता रहे हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, और जो भी नया लेटेस्ट वीडियो होगा ताकि आपके पास तुरंत जाए। तो आपको क्या करना है, जब आप जाते हैं थोड़ी देर खाते रहना, वहीं ऐसे नॉर्मली आपको दो राउंड जाना है। उस दो राउंड में आपको क्या करना है, आपको इसी स्टेप में जाना है। आप कभी अपने पैर को चलाना है, कभी अपने हाथ को हिलाना है, ताकि आपका बॉडी जो है तुरंत कूल हो जाए और आप नेक्स्ट दिन के लिए अगले अच्छे से, आप जब ग्राउंड आए तो अच्छे से दौड़ पाए। उसके लिए अब आप क्या करेंगे कूलिंग डाउन में, जब आप उस दो राउंड के उसी चक्कर में चलते चलते कभी पैर खोलेंगे, पैर को झाड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा हाथ को, आप उस दो राउंड में ऐसे करते जाएंगे। आपको ऐसे करना है, उसके बाद थोड़ा अपने हाथ को हिलाते जाएंगे, फिर आपको देखते जाइए आप फिर ऐसे नॉर्मली दौड़ेंगे। उसमें ये सारे दो राउंड में होंगे आपके। उसके बाद यदि आप चल रहे हैं बीच बीच में तो पैर को आप हिलाते चले, आप ये पूरा जो आपका मसल्स है, जो आपका थाई, इसको कंपन दे। उसके बाद धीरे धीरे आप उसी में बट किक भी लगा सकते हैं, दौड़ते दम दौड़ते उसी दो राउंड में। फिर आपको फ्रंट उसी दो राउंड में आपको ले लेना है, धीरे धीरे करके अपने बॉडी को उसी में दौड़ते रहिए, उसी में। फिर आप हाथ को कभी इधर कभी उधर, तो आप देखें कूलिंग डाउन, जैसे आपका रनिंग महत्वपूर्ण है वर्कआउट में, वैसे ही ये आपका कूलिंग डाउन बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका वार्म अप और स्ट्रेचिंग का होगा, आप लोग ज़रूर देखें और अपने बॉडी को रिलैक्स करें, अगले दिन के लिए तैयार करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।